उतरने के कहा जाओगे, आपका वंटी उतर सकता है। आप बात समझ रहे हैं। जनता दरबार में डुमराव थाने के एएसआई को धमकाते हुए वर्दी उतरवाने की धमकी दे रहे ये हैं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे बक्सर के दौरे पर हैं, जहां पर वो जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुन रहे थे। तभी एक वृद्ध ने मंत्री जी से पुलिस के एएसआई की शिकायत कर दी। वृद्ध ने कहा कि पुलिस उन्हें गुंडा एक्ट में फंसाना चाह रही है। इसी बात को सुनकर मंत्री भड़क गए और भरे दरबार में एएसआई को वर्दी उतारने की धमकी दे डाली। आप खुद देखिए मंत्री जी का रौद्र रूप। आप गुंडा देखे? अरे यार हटो ना, अरे भाई अभी हटो ना, बाद में देखिए। गुंडा गुंडा दिखाई पड़ रहा है, गुंडा का नोटिस दिया हमने इनको। किसने कहा था आपको? किस पदाधिकारी ने कहा था गुंडा का नोटिस? क्या था अभी बताओ? एसपी कहा था, डीजीपी कहा था, डीएफपी कहा था, कहा था किसी ने? चलो दिया, किसने कहा था आप बताइए, बताइए। आप एक पदाधिकारी हो, आप दरोगा जी हो, आप सरकार का नाम है, बताते हैं हम कब करते हो, किसी को भी गुंडा बता नहीं है। ये गुंडा नाम है तो गुंडा है, उस पर तो आप गुंडागर्दी ठीक नहीं कर पाओ। अब जो इंसान आदमी है उनको गुंडा बता देते हैं, नोटिस दे दे दिया। अगर अभी उसी नोटिस के बदले आपका कार्रवाई शुरू कर देंगे तो कहाँ जाओगे? आपका वर्दी उतर सकता है। आप बात समझ रहे हैं? आपका वर्दी उतर सकता है। भविष्य में इस प्रकार का कोई काम नहीं और नोटिस वापस करिए, इसकी जांच डीएसपी। वहीं मंत्री ने वहां पहुंचे कई और लोगों की फरियादें भी सुनी। डुमराव के दो नंबर वार्ड में रहने वाली एक महिला ने वहां पर नाली न होने की शिकायत मंत्री जी से की। महिला की बात सुनकर मंत्री जी ने उसको आश्वासन दिया। आवास बन गया है, हम लोग का नाली बगैर बहुत दिक्कत है, हम लोग का बहू बेटी का बहुत परेशानी है। दो नंबर वार्ड में डुमराव। पुलिस वाले को वर्दी उतरवाने की धमकी देने वाला वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।